This call is now being recorded. रिकॉर्डेड होगी, आ गई सबको आवाज? यस yes, मैम आ गई। चलो एक बार मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए आप लोगों ने अभी तक। मैम सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ये सारे हो गए? यस मैम हो गए सारे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। दो तीन मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। श्याम गुप्ता इज सेइंग किस किस को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न है। धनंजय आप बोल रहे थे ना? मैं मुझे डाउट था एक क्वेश्चन में, मैं वो बोल रहा था। अभी परसों है ना आपका एग्जाम? यस मैम। ठीक है चलो इतने बाकी लोग आते हैं हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं है ना। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ठीक है कोई बोल रहा है पीएनसी करा दीजिए और बाकी चैप्टर्स धीरे धीरे आते हैं। ठीक है आज मुझे अभी ये वाला एक घंटे का स्लॉट मिला तो इसमें जितना टॉपिक कवर हो पाएगा मैंने अभी वो किया है वो प्रेजेंट करूंगी। उसके बाद कल भी आपका कल नहीं है ना पेपर, परसों है ना 19 को तो yes, फिर हाँ तो जो बाकी टॉपिक्स है उससे बचे हुए कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फिर आप उस टॉपिक पे आपके जो डाउट्स होंगे यू कैन पुट। ठीक है जाग रहे हो सब? हम yes, सब कर तो जल्दी से ओके तो आज अब अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर नाउ लीनियर इनइक्वालिटीज इसके क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें करा भी दिए ना तो आई विल चेक कि आपने कितना रिवाइज किया कितना नहीं किया। ठीक है हमारा हो चुका है ना क्लास में? यस मैम। ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेट व्हाट आर सबसेट्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक है कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इन द एग्जाम फॉर वन मार्क टू मार्क्स कैसे। ठीक है और उसके बाद रिलेशंस डोमेन रेंज क्या होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर फंक्शंस की कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता। कई बार क्या होता है अलग अलग स्टेटमेंट देके वो पूछ लेता है कि ये फंक्शन है या नहीं है कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है यस मैम। ठीक है इसके बाद आपका टॉपिक्स जो बचते हैं लाइक ट्रिगो कॉम्प्लेक्स और आई थिंक पीएनसी राइट तो इस पे हम फर्दर फिर एक लेक्चर रखवाते हैं। ठीक है ओके yes. अच्छा ये बताओ पहले मुझे कि आज तुम्हारी 7 बजे भी क्लास है ना? यस मैम। यस मैम। 7 से 10 कंटिन्यूएशन में है? यस यस मैम। ठीक है चलो तुमने ही सॉल्व करने हैं जस्ट टू चेक कि आपने कितना कर लिया है। जहां जहां आपको दिक्कत आएगी देन आई विल टेल यू। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज ऑल नोज अबाउट इनइक्वालिटी कैसे ओपन अप होती है ये जल्दी से बताओ।
बताओ क्या हुआ। हेलो आवाज आ रही है सबको? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो बताओ ये कैसे ओपन होगी? ऐसे लिख सकती हूँ x किस में लाई करेगा, कौन से इंटरवल में, लाइक दिस? यस मैम। और ये वाली कैसे होती थी? माइनस ए और ए। ठीक है, इसके बेस पे अगर ये वन मार्क में ऐसे क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द आंसर, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। बस मैंने चैट बॉक्स में बोला था। चलो यस एक सेकेंड। हाँ तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन थ्री, तो कैसे आएगा? माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दैट इज सोल्व फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है कि कहाँ पे लाई करती है, तो सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मैम ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। हाँ जी कर रहे हो ना सब सोल्व? यस मैम। आंसर चैट में आना चाहिए व्हाट विल बी द इंटरवल विद प्रॉपर उससे, ये नहीं कि पॉइंट्स लिख के दे दो। शुभ मिश्रा का आ गया, बाकी लोग अच्छा ये बताओ तुम लोगों का डाउट वाला कोई ग्रुप है जहाँ पे यू कैन पुट योर डाउट्स? यस मैम बनाया है। तो आप उसमें अपने डाउट्स भेजते हो? यस मैम। कर रहे हो सब सॉल्व? हो गया करें? अभी तीन चार लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? किस किस ने आंसर किया है? शुभम मिश्रा, सिद्धि, धनंजय, जय, अभिषेक कुमार, बाकी लोग 24 लोग ज्वाइंट हैं, उसमें से एक बार मेरे को हटा दो, चलो 22, 21 के अराउंड। उसके बाद भी अभी तीन चार लोगों ने रिप्लाई दिया। अभिषेक कुमार एक बार आप सोच लो आप कौन सा वाला रख रहे हो, फर्स्ट वाला आंसर या सेकंड वाला, दोनों ही आंसर कर रहे हो आप? मैम सेकंड वाला। लोग करते हैं सेकंड वाले को? यस मैम। ठीक है श्याम गुप्ता का आ गया, आयुषी यादव, अंशिका, और भी भेजो आंसर। इतनी देर क्यों लग रही है इसको कैलकुलेट करने में? बाकी लोग कर रहे हैं ना? यस और नो? पता नहीं कर रहे हैं।
हमने तो कर लिया। अच्छा जब तुम कर रहे हो ना तो स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है मैम? इसके स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं होती ना? किसके एग्जाम में तो लिखना होगा ना, डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। ओके मैम। चलो करते हैं स्टार्ट, बाकी लोग इतने कर रहे हैं, जिन जिन का आ गया वो अपना मैच कर लेना। देखो ऊपर क्या बना, 3x-6 / 5। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप ही कर रही हूँ। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में बोलो? 10-5x, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इनको 5 और 3 को? यस मैम। ठीक है करे। 9x-18 ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट विल वी हैव? क्या होगा राइट हैंड साइड पे बोलो मैम? 50-25x। ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके बाद का स्टेप? मैम एक्स को कैलकुलेट करेंगे। Is that clear? मैम हाँ ये x। ठीक है 25 + 9 is equal to 34। On the right hand side we have 62। Okay. तो x is greater than equal to 2। तो x कहां से बिलोंग करेगा? 2 to infinity, ओपन या क्लोज्ड ब्रैकेट जल्दी बताओ मैम? 2 पर ओपन है और पे क्लोज्ड है। infinity उल्टा बोल रहे हो आप। टू इज क्लोज्ड एंड इंफिनिटी इज ओपन। यस इज दैट क्लियर? यस मैम। हो गया बाकी लोगों को? बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन भेजा है उसे भी एक बार सॉल्व कर दो। हाँ जी हाँ जी देख लिया मैंने। ये वाला आ गया सबको? यस ओके। दो ही लोगों का यस आया बाय द वे, बाकी लोग कहाँ पे हैं? यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इतने में मैं देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन भेजा श्याम गुप्ता ने। मैम ये तो नो सॉल्यूशन होगा ना इसका? देखते हैं अभी सॉल्व करके, आप अपना उसमें लिखो चैट बॉक्स में आंसर।
किस किस का आंसर आ गया? आयुषी यादव 2 सॉल्यूशंस, तुषार 9 सॉल्यूशन, धनंजय सिंह 9 सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, अभिषेक कुमार। चलो देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन माइनस 1, राइट? तो एक्स स्क्वायर जब हम 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, व्हाट विल वी गेट? दैट इज माइनस 2। कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे माइनस 2 से छोटी वैल्यू मिले? नो मैम, क्योंकि हम एक्स की अगर नेगेटिव भी वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो माइनस का। यस, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अल्टीमेट हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? मैम नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, यस मैम। नाउ सॉल्व दिस। श्याम गुप्ता, राइट? आपने क्वेश्चन भेजा था ना ये ग्रुप में, जो ये सॉरी चैट बॉक्स में। यस मैम, यस, ठीक है। इसका स्टेप थोड़ा लेंथी बढ़ेगा, बट ये है इनइक्वालिटी का ही। हम इसको रखते हैं अभी, मतलब ये वाले डिस्कस करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ चैट बॉक्स में। मैम x = 3, x is equal to, क्या बोल रहे हो मैम? 3, x is equal to 3 and 1। ये इनइक्वालिटी है, आपको इंटरवल बताना है कहां पे लाई करेगा। नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखना, देखो ये आवाज क्या कह रहे हो। M close interval to 3 and infinity. Closed interval? 3 mem or infinity? एक बार लिख दो अब्दुल्ला खान, आप चैट बॉक्स में लिखो, बाकी लोग भी लिखो, क्या कर रहे हो? सोल्व नहीं हुआ अभी? मैम हो गया मैम। जिसका हो गया वो चैट बॉक्स में लिखो आंसर ऑन द इंटरवल फ्रॉम वेयर एक्स बिलोंग टू।
हुआ किसी का बहुत देर, बहुत देर निकाल रहे हो तुम इतना, मतलब मैम हो तो गया, रिप्लाई आ गया मैम, बहुतों का रिप्लाई आ गया। अच्छा चलो देखती हूँ, देखते हैं देखते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ किसने ये वाला स्टेप किया है, 2x+4 इज ग्रेटर देन 5 × x-1। मैम ये नहीं करा, मैम मैं शायद ऐसे मैम ये नहीं करा, क्यों नहीं करा मैम, x की वैल्यू में पता नहीं ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। राइट हैंड साइड ले आए हम, राइट में जीरो कर दिया, लेफ्ट साइड राइट पे ले आए, यस लेफ्ट साइड इक्वल में जीरो कर दिया। ओके जिनका हो गया वो एक बार मैच करो, जिनका नहीं हुआ है वो देख लो। सोल्व करने पे क्या आई जल्दी बताओ, मैं माइनस इनफिनिटी, यहाँ क्या आया न्यूमरेटर में -3x+9 अपॉन में x-1, यस। ओके अब एक बार माइनस साइन एक्स के आगे से हटा दे न्यूमरेटर में, यस मैम कॉमन ले ले, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज क्यों हो जाएगी बताना जरा, क्योंकि मैम माइनस का साइन इधर से माइनस का साइन चलेगा। ठीक है अब नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट्स मार्क करूं, 1 2 3 and second is 3, ठीक है, one included है या excluded? मैम excluded है, include नहीं है। और 3 बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम one included और 3 excluded है। one excluded होगा ना? Yes मैम। one तो excluded होगा क्योंकि मैम denominator 0 हो जाएगा वरना। Yes right. अच्छा 3 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और 1 से 3 के बीच में नेगेटिव, एंड हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, 1 2 3 नेगेटिव, बाकी भी बोलो कौन सा पोर्शन चाहिए हमें अब, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, यस तो कहां से बिलोंग करेगा एक्स, मैम यस मैम यही, ये लास्ट में यस मैम यही बोलने वाला कौन था, बाकी लोगों को हो गया क्लियर मैम, ये राइट है ना, बोलो मैम ये राइट है ना, राइट है तो मैम अलग आंसर आ रहा था ना तो मैं बोला मेरा ही गलत है। अब सबको क्लियर है, यस मैम। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है सेट, सेट्स और सबसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यस मैम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बताओ इफ आई हैव अ सेट ए विच इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, लेस देन 8, मैम क्या बताना है, what will be a is equal to if a is a set of even natural numbers less than 8, 2 4 6 4 6 ठीक है, and what do you mean by subsets, एक सेट को मैम आप डिवाइड कर दो, मैम सेट का पार्ट है, अगर किसी सेट कोई दो सेट है हमारे पास a and b such that every element of b is the element of
ए, तो क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा एक ना रूल होता है कि हम नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कैसे करते हैं, पढ़ा है किसी ने? यस मैम पढ़ा है। यस मैम सबसेट सबको क्लियर है ना? यस मैम यस मैम ठीक है। तो हाउ डू वी काउंट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सच दैट, अच्छा ये वाला सिंबल क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, दैट इज ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में, एन, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टू की पावर एन, एन टू टू रेस पावर एन, टू रेस टू पावर एन, राइट। तो मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, ए बी सी और डी। चैट बॉक्स में आंसर करना। यू हैव ओनली वन मिनट, वन मिनट भी ज्यादा ही है, 30 seconds। क्या आंसर आ रहे हैं? जयका आ गया, तुषार, रेखा, उमंग मिश्रा, आर्यन गुप्ता, नेहा का भी आ गया, श्याम गुप्ता का भी आ गया, वंशिका तिवारी, यस, अभिषेक कुमार शर्मा, शिवानी, ओके, काफी लोगों ने आंसर कर दिया। बाकी लोग कर रहे हो ट्राई? चलो मुझे बताओ ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? -2, -1, -0, -1, -2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? अच्छा मैं ये साइन लिख रही हूँ, किसी को सबको पता है ना ये साइन किस चीज का होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना? कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 2 की पावर 5। Yes, 2 की पावर 5 which is equal to 32. So what will be the option? B. That is 4 here, है ना? Okay. ऐसा ऐसा एक और आया. Do you know about improper subset or proper subset? Improper subset or proper subset? No, ma'am. प्रॉपर सबसेट जिसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, देखो मैं बताती हूँ, एक बार रुको, कुछ इसको ना क्लीन करते हैं क्योंकि सेट की डेफिनेशन तो यहाँ लिख रही हूँ। देखो प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है ना, तुमने मोस्टली बुक्स में देखा होगा, एक तो या पेपर में भी या कहीं पे भी, एक तो ये नोटेशन होती है, एक ये नोटेशन होती है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा प्रॉपर सबसेट्स ना वो होता है जैसे ए बी का सबसेट है, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए, मतलब बी के पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कम से कम एक जो ए में नहीं है, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं हो सकते ना, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो सबसेट में नहीं है लेकिन सुपरसेट में है, इज दैट क्लियर? तो वो इक्वल होगा, तो हम इसको ना ऐसे क्रॉस करके भी लिख देते हैं समझाने के वजह से कि भाई ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, वही चीज जैसे हम ये लिखते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स या तो लेस देन ए हो सकता है या ए के बराबर भी हो सकता है ना, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं होगी, इज दैट क्लियर?
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रही हूं मैं, एक सेट ले लिया सपोज 1 2 3 और एक सेट ले लिया 1 2 3 4। अब ऐसा, अब मैंने बोला ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में है ए में नहीं है? ठीक है, तो अच्छा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हम कैसे काउंट करते हैं? हम 2 की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फॉर प्रॉपर सबसेट्स। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड आउट करो एंड गिव मी द आंसर। हम 16, अरे रुको एक बार मेरा कैमरा भी ऑफ है। हां मैम एक बार दोबारा बता दोगे वो अभी आपने क्या बताया? 2n-1 मैम। ठीक है, फिर 15 आएगा। ये देखो ये चीटिंग करा रहे हो आप। ओके यहाँ देखो सेट ए सेट क्या था, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बोलो? 4। ओके, तो देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स टू रेज टू द पावर एन माइनस वन, वेयर व्हाट इज द एन हियर? 4 15-1 दैट इज 15, सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट। व्हाट इज ए यूनियन बी? मैम जिसमें ए एंड बी होते हैं, हम यूनियन को अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं ए बी, तो पूरा ए सेट भी और बी सेट भी, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, और इन सेट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? अगर एक्स हमारा ए यूनियन बी में है तो इसका क्या मतलब होता है? एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा या फिर दोनों में ही होगा, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट एम कॉमन। यस, और इफ आई एम सेइंग दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट विल इट इंप्लाई? दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कोई ढूंढते हैं। हाँ, पहले एक रिजल्ट देखो। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होता है बताओ? डिवाइड कर रहे हैं ना हम। यस मैम। बताओ जल्दी मैम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस मैम। इस बेस पे ना ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो, फॉर 1 मार्क इट कैन बी पुट इन योर एग्जाम। चैट बॉक्स में रिप्लाई देना मुझे। सत्यम आर्यस ऑप्शन बता रहे हो, ठीक है देखते हैं। कर रहे हो सब सॉल्व? यस और नो? आ भी गया है सब। ओके, एक चीज सबको ये पता है कि ए जो होता है वो सब, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का भी और बी का भी, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। सेट्स ए एंड बी have 3 and 6 elements respectively, so n of a will be equal to 3, n of b will be equal to 6. अब वो क्या बोल रहा है, what can be the minimum number of elements in a union b? तो मैं a union b कैसे निकाल सकती हूँ?
n of a plus n of b minus n of a intersection b, है ना। अब उसने बोला ये चीज, ये मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को n of a की वैल्यू तो पता है कि 3 है, n of b की 6 है, तो अल्टीमेट मेरे पास इक्वेशन 9 माइनस n of a इंटरसेक्शन b, तो इसकी क्या वैल्यू पुट करें कि ये मिनिमम आ जाए। तो इसको अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b को, तो ये फिर क्या आ सकता है, छोटा ना, ये क्लियर है। ओके, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं इंटरसेक्शन में? 1, 2, 3, 3. क्यों? मैम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट है ना, इस वजह से, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, तो वो अपने सुपरसेट से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रख सकता, या तो वो कम रखेगा या उसके बराबर रखेगा। इज दैट क्लियर? यस। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 ही थे, तो या तो 3 होंगे, एक बार माइक बंद करना, तो मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, 3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मिनिमम नंबर 6, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सेकंड। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, बिकॉज़ बीच में जब माइक खुला था तो आपकी वॉइस बहुत कम हो गई थी। ओके ओके, तो व्हाट्स योर नेम? It's Ayushi. Okay, okay, Ayushi. देखो, question में क्या दिया हुआ है? Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. Is that clear? तो n of A कितना होगा? 3. And what is the n of B? 6. मैं वो सब तो clear है, but the last step when you maximum value वो कैसे निकले? This one? I just found that thing. Okay. A intersection B जो है, वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, ठीक है। तो कोई भी अगर सेट है वो अपने सुपर सेट के या तो बराबर एलिमेंट्स रखता है या फिर उससे कम ही एलिमेंट्स रखता है, तभी वो सबसेट है ना। yes, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी ए से भी कम एलिमेंट या उसके बराबर रखेगा और बी से भी, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और 6 में से कौन से है? 3 ना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम कार्डिनलिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जा सकते हैं? 3। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज ये माइनस साइन के साथ है, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, तो ये थी इसकी मिनिमम वैल्यू। ये कैलकुलेट करो क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। यू हैव ओनली 1 मिनट। कर रहे हो सब? यस और नो? यस मैम। नो भी बोला क्या किसी ने? मुझे क्या, मुझे ही सुना? चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो।
काफी लोगों के आ गया आंसर। अभिषेक, सत्यम, वंशिका, अंशिका, श्याम, शिवम। शिवम आप ये उनसे बाद में पूछ लेना आफ्टर क्लास की, और भाई श्याम, ठीक है। रुके अभी या करा दूं सोल्व? यस और नो? चलो 30 seconds हो रहा है, जल्दी से करो। नाइनटीन को कितने बजे आप लोगों का पेपर? इवनिंग, मॉर्निंग? मॉर्निंग, इवनिंग में है। इवनिंग में हमारा, मॉर्निंग मॉर्निंग दोनों में। बॉयजों का इवनिंग में है, गर्ल्स का मॉर्निंग में। बॉयजों का भारत मॉर्निंग में ही है, मॉर्निंग में ही है। बॉयज गर्ल्स दोनों का मॉर्निंग में है। मैम कोविड स्कूल का मॉर्निंग में है। जनरल शिफ्ट में। अब 19 को मैथ्स हो गया, उसके बाद 22, 21। हम 22। सॉरी। फिजिकल। 22 फिजिकल एजुकेशन। करें सॉल्व? यस मैम। यस मैम। चलो देखो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। यू से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 36। और हिंदी पढ़ने वाले? 22। समझ आ रही है ना, राइटिंग सही नहीं आ रही? 22। अब इसने बोला 12 रीड नीदर ऑफ टू, ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ना ही हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, तुम में से कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर? मैम हम लोग पढ़ते हैं, संडे कभी कभार हो जाता है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ वो स्टूडेंट्स जो ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना ही हिंदी, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट पता है ना सबको? यस मैम। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? मैम इसको ले सकते हैं हम, बोलो। बोल ही नहीं रहे, बोलो। मैम ये तो ई डैश यूनियन एच डैश होता है ना वैसे। यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बताओ, बोलो। जिन जिन ने आंसर किया है ग्रुप में, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी मैं नाम लेके बोलाती हूँ, रुको। नेहा आप बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? मैम यही आएगा यहाँ पे तो। नहीं, ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना ही हिंदी पढ़ रहे हैं। माइनस में नंबर ऑफ और ए और ई का इंटरसेक्शन है, इनका ई और एच का यूनियन। देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 60। और इंग्लिश पढ़ने वाले? 36। क्योंकि तुम लोग ना क्या कर रहे हो, सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो कंटिन्यूएशन में आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग करा स्टार्ट कुछ पढ़ना कि नहीं? मैम निकल गया आंसर। चलो धनंजय आप बताओ। मैम क्या आंसर? नहीं, अब बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 60 हैं,
नंबर ऑफ दो स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 36 है, नंबर ऑफ दो स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो 22 है। इसने बोला 12 तो है वो नॉट इंग्लिश, एक बार माइक ऑफ कर लो। हाँ 12 जो है वो ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही हिंदी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं धनंजय? मैम इसमें आपने आपने भी आपने क्या लिखा मैम? मैम यूनियन एच का टेस्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो यहाँ पे ना 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्टीमेट आया क्या? इज दैट क्लियर? कितने हैं टोटल? 12 जो ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना ही हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब टोटल थे 60 इज इक्वल टू 12। तो E यूनियन H दोनों पढ़ने वाले कितने हुए? 60 माइनस 12 विच इज 48। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमें क्या निकालना है जो दोनों पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो अल्टीमेट क्या निकालना है हमें? यूनियन और इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। 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 यस दैट इज इंटरसेक्शन। अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आई थी पुट कर दे। 48 is equals to 36 plus 22. Yes. तो अल्टीमेट ई इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ विच इज इक्वल टू 10। अब जिन्होंने आंसर किया था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था या नहीं या सीधी वैल्यू लिखी थी? यस मैम। यस मैम। मैम मन में मैम देखो कर रहा था, देखो मैम ऐसे नहीं कर रहा था, वेन डायग्राम की वजह से कर रहा था। देखो मैम कर रहा था मैं। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशंस? है कोई आंसर करने वाला? मैम एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय आर। और कोई? चलो देखो रिलेशंस के लिए ना हमें हमेशा कितने सेट्स की जरूरत पड़ती है? कम से कम दो सेट्स की। और वो क्या एम्प्टी होने चाहिए कि नॉन एम्प्टी? नॉन एम्प्टी। एम्प्टी पे तो हाँ। चलो देखो अब तुमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा है इस फॉर्म में जो लिखते हैं? यस मैम। ये बताना ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए इफ एंड ओनली इफ। कब होता है ये पॉसिबल? ए इक्वल टू बी। यस ए इज इक्वल टू बी। ओके नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मैं ये वाली टर्म्स इसलिए यूज कर रही हूँ फिर हम आएंगे रिलेशन की डेफिनेशन पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। ए बी जहाँ पे ए मेरा कहाँ से आएगा? ए फर्स्ट सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होता है कि दो सेट दे दिए उनसे जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं ना वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सेट बना के लिख देते हैं। लेकिन रिलेशन में क्या होता है? कोई रूल होता है, अ रूल by which elements of A are associated
with the elements of B. और कहीं पे ये भी बोलते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्लोज बी का, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, तो अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे काउंट करते हैं? मैम इनटू कर देते हैं मैम, नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. लेकिन जब हम रिलेशंस काउंट करते हैं तो ये होता है 2 रेज टू द पावर. यस मैम, जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, जितने हमारे एलिमेंट्स आए अंडर वो स्पेसिफिक रिलेशन, ठीक है? इस बेस पे यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? दिख रहा है सबको क्वेश्चन? ये क्लियर है? यस और नो? यस मैम. चलो ये करके दिखाओ क्वेश्चन. चैट बॉक्स में रिप्लाई करना ए बी सी और डी. कर रहे हो सब यस और नो? यस मैम. यस मैम कर रहे हैं. संजय का रिप्लाई आ गया है, बाकी लोग भी करो. अभिषेक कुमार शर्मा का भी आ गया है. सत्यम जय बी ए जा रहा है, कोई सी भी बोल दो. ओके श्याम गुप्ता. डी रह गया ऑप्शन, बाकी लोग कर रहे हो सब यस और नो? यस मैम. मैम ए और हाँ क्या बोल रहे हो धनंजय? बोलो मैम. ए और बी में मैम उसमें रिलेशन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी आउटकम आएंगे हमारे पास. क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है. नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. नहीं आ गया मैम. कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है. लेट्स चेक. अब्दुल्ला खान आप बताओ, कर रहे हो आप सॉल्व? यस मैम अभी कर रहे हैं. करो करो, रुको मैं और किसी को भी ढूंढती हूँ. आर्यन गुप्ता, आयुषी, शुभम मिश्रा, यस और नो बताओ तो. कर रहे हो सॉल्व के नहीं? यस मैम हो गया. यस मैम. आर्यन गुप्ता मैम समझ नहीं आया, ये क्या समझ नहीं आया? देखो आर्यन गुप्ता, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी काउंट करते हैं ना, उसका क्या वो कैसे फॉर्मूला होता है? दैट इज नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स इन बी. जैसे ए में अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, बी में सपोज 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? जल्दी बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. मैम ऑप्शन बी आ गया आंसर. मैम एक मिनट क्वेश्चन दिखाना. यस मैम 9 है इसका आंसर. Are you sure? मैम नहीं मैम, ए आंसर आएगा. मैम इसमें ए है पक्का?
डी की ऑडियंस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट देखो दो आएगा सबके सब का चार आएगा छह आएगा और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट सेट भी आएगा दो तीन और पांच आएगा भाई बंद कर जल्दी बंद कर एक मिनट ये बताओ कौन कौन बोल रहा है ए आएगा हैंड रेस करो जल्दी से मैं देखती हूँ एंड हु इज सेइंग बी ऑप्शन क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ए और बी में जा रही है ना चलो देखते हैं किसको कौन सही है टीम ए वाली या टीम बी वाली लेट्स चेक ओके व्हाट इज द सेट सेट ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर तो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जल्दी बोलो 2 4 6 2 4 6 क्योंकि लेस देन 8 है यहाँ पे इज दैट क्लियर और बी में बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7 तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 2 3 5 ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 3 3 तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हम कैसे काउंट करते हैं n को 2 रेज टू द पावर n इज दैट क्लियर यस मैम तो व्हाट विल बी द आंसर ऑप्शन ए चलो फंक्शंस जल्दी से बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस मैम इज इट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन व्हिच एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी यस इट इज अ स्पेशल केस सबसे पहले तो ये एक स्पेशल केस है रिलेशन का ठीक है इसमें क्या होता है एवरी एलिमेंट अगर एक फंक्शन हमारा ए से बी पे डिफाइंड है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी इज दैट क्लियर यस मैम चलो ये बताओ इन दोनों में से क्वेश्चन पढ़ो सब इफ ए इज द सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस फ्रॉम ए टू Itself, मतलब फंक्शन ए से ए पे ही है तो एफ वन एफ टू या दोनों ही ऑप्शन चैट बॉक्स में कोई चीटिंग मत कराना अपना अपना करना है जल्दी करो सो दैट हम जल्दी आगे बढ़े फिर 7 बजे तुम्हारी एक और क्लास है सत्यम अपना माइक एक बार ऑफ करो सत्यम इज सेइंग ऑप्शन 1 एंड अभिषेक इज सेइंग ऑप्शन 3 लेट अस चेक वंशिका हैज रेज्ड हर हैंड यस बोलो आदित्य पाठक आपके यहाँ से श्योर आ रहा है इफ यू हैव टू से समथिंग देन टर्न ऑन अदरवाइज टर्न ऑफ वंशिका इज सेइंग ए उत्सव मिश्रा इज सेइंग ए अब्दुल्ला खान इज सेइंग 4 ओके करें सॉल्व यस मैम ओके यस मैम एफ वन क्या कह रहा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेके आओ सच दैट एक सेकंड रुकना
एक्स प्लस वाई क्या आ जाए 5, ठीक है। तो जल्दी से हम पुट करते हैं 1, 2, 3, 4, ए से ए पे ही है ना। यस मैम। ओके व्हेन एक्स इज 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? 4। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है। हाँ व्हेन एक्स इज 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? 3। ओके जब एक्स को 3 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सॉरी चलो देखो व्हेन एक्स इज 4 मैम 1। तो हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट की इमेज है कि नहीं? यस मैम। तो इज f1 इज फंक्शन और नॉट? यस और नो? यस मैम। f1 इज अ फंक्शन, तो जिनका 4 ऑप्शन था वो सही नहीं है मैम, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। ओके f2 कैसे है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को 4 ले लूं, ठीक है, तो 4 किस किस से बड़ा है? 1 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी है। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की डोमेन में, मतलब इस सेट में यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसकी तो 3-3 है, 1, 2, 3, 4, 1 से भी एसोसिएट हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। इज दैट क्लियर? यस मैम। f2 इज अ फंक्शन और नॉट? नॉट। तो f2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन देन मैम? फर्स्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम, 2 या 1 को अगर हमने ले लिया एक्स तो हो सकता है ना, बट एक एलिमेंट तो हमें ऐसा मिल गया ना जिसकी मल्टीपल इमेज जा रही है। ओके मैम, उसने बोला था एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, नॉट एटलीस्ट 1 एलिमेंट अगर बोलता ना फिर तो हम ले लेते, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। ओके सो आगे चले। यस मैम। ओके नाउ अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये वैसे मैं तुम्हारा लेक्चर ले भी चुकी हूँ, तो बताओ डोमेन क्या होती है, फिर मैं बताऊंगी। m वैल्यूज ऑफ x मैम, सेट a की वैल्यूज। जब हम कोई भी फंक्शन a से b डिफाइन करते हैं तो डोमेन इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज जिसके लिए हमें क्या मिले, इमेज अंडर दैट f, इज दैट क्लियर? मतलब सेट a। हाँ, अगर फंक्शन है, अगर ये इज अ फंक्शन तो a क्या हो जाएगा, डोमेन। ये हमारा इनपुट का सेट होता है, ठीक है, जिसकी इमेज मिले। ओके व्हाट इज रेंज f ऑफ a, इज दैट क्लियर? रेंज इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आउटपुट, है ना? यस मैम, इमेज होगा ना? यस। और व्हाट इज कोडोमेन हियर इफ एफ ए से बी अ फंक्शन? सेट बी पूरा, सेट बी पूरा, सेट बी। ओके, जो रेंज होती है वो किसका सबसेट होती है, ए का होगा बी का? मैम बी का, बी का कोडोमेन का, राइट, दैट इज बी हियर। ओके तो जल्दी से इस फंक्शन की मुझे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके बताओ। यू हैव कितना मिनट, 2 मिनट्स हैं क्योंकि 6:07 हो गया, 6 बजे तक की क्लास थी। शिवम कुमार कौन थे वो जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था?
शिवम कुमार आपने क्वेश्चन भेजा था इन द चैट बॉक्स राइट मैम ऑप्शन डी चैट बॉक्स में लिखो चैट बॉक्स में तो मुझे याद रहता है किसने कौन सा बोला सत्यम इज सेइंग बी एंड यू आर सेइंग डी लेट अस चेक अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज योर अप्रोच कि आप कैसे देख रहे हो डोमेन और रेंज एक बार मुझे बताओ क्योंकि डोमेन रेंज से ना काफी क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे कर रहे हो कोई एक बताओ लेट अस से उमंग मिश्रा यस आप बताओ आपने कैसे भी निकाला ऑप्शन यस मैम यस बताओ आपने कैसे निकाला ऑप्शन भी मैम डोमेन तो क्या कहते हैं मतलब रियल नंबर ही आएगी कोई भी पुट करो एक्स तो उसके बाद इमेज उसकी नेगेटिव ही आ रही है और टू तक हाईएस्ट जाएगी कैसे मतलब पुट किया जैसे कि या तो माइनस वन पुट के लिया तो फिर भी क्या कहते हैं आपकी माइनस में ही आएगी जो भी है या फिर पॉजिटिव भी पुट करेंगे तो भी ऐसे ही आएगी माइनस में ही आएगी क्योंकि बाहर मतलब मॉड माइनस से खुलेगा ना इस वजह से बाकी कोई मैम टू चार व्यक्त करना चाहता है मैम एक्स की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो अंदर 0 हो जाएगा तो मैम इसकी वैल्यू हाईएस्ट जाएगी अच्छा तो वही तो बोल रहा था यार 2 हाईएस्ट जाएगी यस 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 सुमन मिश्र कोई बात नहीं सबकी राय जान रहे हैं हम कोई सर कोई कैसे कैसे कर रहा है ओके और कोई अंशिका आप बताओ आपने कैसे चेक किया मैम ये ऐसे ही होगा क्योंकि मैम हम डोमेन तो मैम रियली रहेगी और मैम रेंज हमें दे रखी है माइनस इनफिनिटी भी होगी और 2 हमें इंक्लूड करना है 2 ही तक जाएगी मैक्सिमम इसकी और 2 इंक्लूड होगा वंशिका वंशिका आप बताओ चलो देखो सॉल्व कराते हो ओके सबसे पहले हमें क्या निकालना है डोमेन ये ना आर पॉजिटिव है ठीक है अच्छा अब देखो आंसर नहीं वैसे बता रही थी नोटेशन डोमेन हमारे को फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है ना तो हम कोई भी रियल नंबर दें हमें आउटपुट मिलेगी यस और नो मैम मिलेगी मिलेगी ना और तुम्हें याद भी होगा मैंने मॉडुलस फंक्शन कराया था मॉडुलस फंक्शन में डोमेन क्या होती थी पॉजिटिव मैम रियल नंबर होती है ना रियल नंबर है ना तो अब सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं या 2 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर रियल नंबर्स तो आएंगे है ना ओके एंड इसमें रेंज क्या थी मोड ऑफ एक्स में मैम पॉजिटिव थी क्या थी हाँ 0 से मैम सब इनफिनिटी है ना यस मैम तो अगर मेरे पास मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है तो मोड ऑफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है ना इफ आई एम पुटिंग एक्स अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ चलो इसको भी छोड़ो ये बहुत ही तुम उसमें हो जाएगा एक सेकंड रुको
हाँ, व्हेन एक्स को हम 5 पुट कर रहे हैं तो हमारा मोड ऑफ एक्स माइनस 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यस मैम। तो रेंज में तो कोई चेंज नहीं आएगा मॉडुलस फंक्शन के अंडर, है ना? Yes, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव थी तो हमने माइनस साइन लगा दिया, चेंज होगा, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसकी इसकी रेंज क्या हो जाएगी अब मेरे पास, माइनस इनफिनिटी से जीरो, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, इज दैट क्लियर? अब टू माइनस कर रही हूँ, अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। अगर मैं टू माइनस जीरो कर रही हूँ तो क्या आंसर आएगा मैम, टू। और ये माइनस टू और माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है अपने आप में, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी हमें पर्टिकुलर, यस, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अल्टीमेट इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू टू। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन मैम, बी मैम, बी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, 7 बजे आपकी क्लास है? यस, श्याम गुप्ता और आई थिंक शिवम कुमार, आप दोनों ने भेजा था ना ये वाला, ही आपने ही भेजा था क्लास ट्रिगर पीएनसी के लिए। सॉरी मैम, एक क्लास ट्रिगर पीएनसी की रख लीजिए। हाँ, कल वाला स्लॉट मैं कराती हूँ कोई। यस, श्याम गुप्ता, राइट, आपका जो ग्रुप है उसमें मेरे को ये वाला क्वेश्चन भेजो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, वेरी लेंथी भी नहीं, मतलब लग जाएंगे 5-10 मिनट। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजती हूँ, एंड देन आई विल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के देती हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है? बोलो मैम, मैं भी ये क्वेश्चन भेज दूँ? हाँ हाँ, ग्रुप में, मैं ग्रुप में ही भेजूंगी, सबके पास ही आएगा, ठीक है? जिस स्टेप में जिसको भी दिक्कत हो यू कैन आस्क फ्रीली, ठीक है? चले, आज के लिए बहुत है, कल वाला स्लॉट मैं कराती हूँ, हाँ मैं डिस्कस करती हूँ, कल वाला देखते हैं, फिर ट्रिगो और उसकी भी रखते हैं। ये मैम कल भी 5 बजे से क्लास ही होगी? सॉरी मैम, कल भी 5 बजे से क्लास होगी? मैं एक बार पता करके बताती हूँ कि कौन सा स्लॉट मिलेगा, ठीक है? ओके। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस की ना मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? अच्छा, और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया आई थिंक, ये वाला जल्दी से ये भी बताते जाओ, या ये करना मुझे ग्रुप में आंसर करना, या फिर चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कैसे करोगे, ग्रुप में करना, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव द आंसर इन द ग्रुप, जो भी आपका डाउट वाला ग्रुप है मैं उसमें एक्टिव हूँ, ठीक है? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? वैसे मैं भेज भी रही हूँ पीडीएफ अभी। चलो बाय गाइस। बाय मैम, थैंक यू मैम। ओके, श्याम गुप्ता प्लीज सेंड द क्वेश्चन इन द ग्रुप सो दैट आई कैन, वैसे मैं खुद ही भेज देती हूँ इसका सॉल्यूशन। चलो बाय। Bye, man. All the best, guys. अच्छे से पढ़ो. Thank you, ma'am. Okay. मैम, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैंने आपको अभी ग्रुप में भेजने बोला है, सो दैट आई कैन चेक एंड आई विल सेंड टू यू। मैम चैट बॉक्स में तो भेज दिया, इसमें भेज दिया। चैट बॉक्स में नहीं, ग्रुप में भेजो। मैम आपका नंबर क्या है? ग्रुप में आप ऐड हो ना, मैं भी सेम ग्रुप में ऐड हूँ, आप भेज दो मुझे, आ जाएगा मैसेज।